शॉपिंग के लिए बस 3 दिन बचे हैं, लेकिन उनका फोन आया था और वो तुम्हारा घर घंटे घर में देखना चाहते हैं। बस ये कहिए कि म्यूजिक बंद कर दे। नो प्रॉब्लम। रुक जाओ बे, अपनी बहन को रिहर्सल करने दो, किचन की सफाई कर लेना अभी। ओके बे, जल्दी मिलती हूँ। कहा था ना किचन साफ कर लेना। क्या दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाऊँ? नहीं 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 नहीं, मुझे घर दिखाने जाना है, केविन के पास है। ये मेगन कर सकती है क्योंकि उसे रिहर्सल के लिए टीम सेंटर जाना है। तुम फिल्म देखने नहीं जाओगे? अगर जीना है तो करना ही पड़ेगा। तुम यहाँ केविन के पास रहोगे। अरे वो कहाँ चला गया? केविन, ये क्या है? पिछला क्रिसमस? हाँ, इस क्रिसमस पर जरा भी मजा नहीं आएगा। आएगा, हमें मजा जरूर आएगा। हम आज भी वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, क्रिसमस कैरल्स गाएंगे और दोस्तों के साथ रहेंगे और बाहर सांता के लिए दूध और कुकीज रखेंगे। सब कुछ पहले जैसा ही होगा। पर इस बार डैड नहीं होंगे। हाँ, सिर्फ यही अलग होगा। तो आप फिर से उन्हें क्यों नहीं बुला लेती? हनी, तुम ये बात ना करो तो अच्छा है। इसका मतलब नहीं? इसका मतलब है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। डैड की याद आ रही होगी ना? हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, आप दोनों करते थे, और इस बात से मेरा कोई वास्ता नहीं। डैड ने तुमसे कहा? मैं 9 साल का हूँ, मैं दिन भर टीवी देखता हूँ। क्या वो मेरी वजह से गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता था, बस और मेगन। ओ नहीं, वो किसी की या किसी चीज की वजह से नहीं गए। फिर क्या वजह थी? ये तुम्हें बताना मुश्किल है, पर कभी कभी लोगों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। शादी को ज्यादा दिन हो जाए तो यही होता है। हाँ, झगड़ा तब होता है जब लोग एक दूसरे से बोर हो जाते हैं। हाँ, कह सकते हो। अब तुम नीचे आओगे तैयार होने के बाद? यहाँ आकर इसे देखो ना। तुम कब समझोगे ये? अपने भाई को छोड़ो, तुम्हें रिहर्सल जाना था ना? 3 सेंटर तक कैसे जा रही हो? मैं एशली की मॉम के साथ जा रही हूँ। क्या मैं फिल्म देखने जा सकता हूँ? नहीं, तुम केविन को देखोगे। आप उसे जाने दीजिए, मैं अकेला रहूँगा। नहीं, मैं पहले भी रह चुका हूँ। याद मत दिलाओ। तुमने मेरी पूरी रात खराब कर दी, अब अगर मैं रात भर परेशान रहा तो तुम्हें भी परेशान करूँगा। मॉम! हेलो, मैं हूँ पीटर। डैड! मेरा बेटा! मैं नहीं जानता था आप आने वाले हैं। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। डैड! हे बस! ओके, जगह तो कमाल की है, बहुत अच्छी तरह सजाया है तुमने। हर साल की तरह। तो डैड, आज आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं तुम्हारी मॉम से बात करना चाहता हूँ। अकेले में? क्या ये घर वापस आना चाहते हैं? ओके। क्या? ना हेलो, ना तुम कैसे हो? ओह आई एम सॉरी, मुझे आज बिजनेस अपॉइंटमेंट पर जाना है। मैं भी तुरंत कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ, पर तुम तो जानती हो कि मैं अभी नैटली के साथ रहता हूँ, और जब हमारा तलाक हो जाएगा तब मैं उसे शादी कर लूंगा। अच्छा, तुम फिर से शादी कर रहे हो? ये तो बड़ी लेकिन हमें अलग हुए बस 8 महीने हुए। हाँ, ये सब बहुत जल्दी हो गया। सुनो केट,
मुझे बच्चों से बहुत प्यार और मैं छुट्टियों में उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्रिसमस पर बच्चों को ले जाना चाहते हो? बस दो चार दिनों के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो नैटली को अच्छी तरह जान लें। ओ, इसीलिए कि वो उनकी सौतेली माँ बनने वाली है? हाँ। तुम उनसे ही पूछ लो ये बात। ठीक है। अब मैं अपने दोस्तों के पास कैसे जाऊँ? बस कुछ दिनों की बात है। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उनसे दूर हो जाने वाली हूँ। हाँ, हम अपनी छुट्टियाँ बर्बाद नहीं कर सकते हैं। केविन, यहाँ एक शाही परिवार आ रहा है, उनका भी एक बेटा है तुम्हारी उम्र का, तुम्हें उनके साथ खेलने का मौका मिल जाएगा। होने वाला राजा? क्यों, तुम्हें मजा नहीं आएगा? हाँ आएगा तो जरूर। और जानते हो, नैटली ने तुम्हारे कमरे को भी बहुत अच्छी तरह सजाया है। अब क्या कहते हो? मैं तो नहीं जाऊंगा। क्रिसमस के वक्त परिवार से दूर रहना ठीक नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गया। लेकिन बेटे, ये एक ओपन इनविटेशन है। मैं घर जल्दी ही आ जाऊंगी, और तुम लोग घर में हो तो छोटे मोटे काम कर लेना। जी मैम, मैं सारे काम करवा लूंगा। कर लो मुन्ने। गड़बड़ तो नहीं? बहुत हुई, आज के बाद मैं उसके साथ इस घर में अकेले कभी नहीं रहूंगा। ओह हनी, उसने तुम्हें परेशान किया होगा? उसने मेरी बेइज्जती की, मुझे सताया, और मैं नहीं चाहता कि सब हमेशा मेरा मजाक उड़ाए। सबसे छोटा होना भी मुसीबत है। मुझे बस पसंद नहीं, काश मेरे कोई भाई बहन होते ही नहीं। तुम ये बात दिल से नहीं कह रहे? कह रहा हूँ, अगर मैं अकेला होता तो ज्यादा अच्छा होता। तुम्हें दुखी देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अपने कमरे में जाओ और ये सोचो कि क्या करना चाहिए, ये नहीं कि क्या नहीं। इकलौते बच्चे की तो बात ही निराली होती है। अगर बज और मेगन नहीं होते तो कितना मजा आता। मतलब ये सोचना गलत है कि परिवार के लोग सिर्फ मुझे ही चाहे। अगर प्यार नहीं मिला तो मैं घर से भाग सकता हूँ। हे, मैं भाग सकता हूँ, मेरे पास एक ओपन इनविटेशन है। बड़ा मजा आया। और आज हमने काफी काम भी किया। हमने गरीब बच्चों के लिए 1,00,000 से ज्यादा पैसे जमा किए। जो लोग और मैं जल्दी ही शिकागो में दो बड़े क्लाइंट्स को भी साइन करने वाला हूँ। सच में तुम दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिसिस्ट हो। मैंने तुम्हें मेरे गुण गाने के लिए थैंक्स तो कहा था ना? फायरलाइट आज तो तुमने नहीं कहा तो है। चलो मैं तारीफ करके दिखा देता हूँ। म्यूजिक ऑन। सारे पर्दे बंद। पागल, अभी बात बनने ही वाली थी। घर बहुत सुंदर है ना जानेमन? बहुत सुंदर है मार्क, तुम सक्रिय चोरी नहीं करना चाहते?
नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैंने चोरी करनी बंद कर दी है। देखो डार्लिंग, आज हमारे पास काफी पैसे हैं, हम आराम से पैसे कमाते हैं बिना दलाल के, शुद्ध मुनाफा, और काम भी आसान है। बस तीन शब्द हैं हमारे, किट नैट बैंग। ये तो एक ही शब्द है ना? हम यहाँ शाही लोगों के आने का इंतजार करेंगे, फिर हम राजकुमार को किडनैप कर लेंगे। मुझे छोड़ दो, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तुम्हें छोड़ दो कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास हैरी भी नहीं प्लान के लिए। हैरी के प्लान्स की क्या हालत हुई थी? सीधे जेल में। पर इस बार नहीं, इस बार मेरा दिमाग चलेगा। तो बताओ बॉस कौन है? तुम ही हो बॉस। अब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुमसे ही मैं शादी करूंगा। भूल गई, लगता तो मेहमान है। तुम यही आना चाहते थे ना? हाँ, जगह तो वही है। थैंक यू वेरी मच। छुट्टे रख लो। सारे छुट्टे ही तो है। मिस्टर मैकलिस्टर से कोई मिलने आया है, वो खुद को उनका बेटा कहता है। ठीक है, अंदर भेज दो। केविन! डैड! हे! लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम आओगे नहीं। हाँ, पर बाद में मैंने सोचा कि क्रिसमस के वक्त सारे बच्चों का मॉम के साथ रहना ठीक नहीं, बच्चों के बिना क्रिसमस का क्या मजा। हाँ, हेलो केविन। हाय नटाली, शायद इस तरह आने से आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं डैड के बुलाने पर आया हूँ। हाँ जानती हूँ। तो अब तक इनविटेशन ओपन है? बिल्कुल ओपन है। मॉली, क्या तुम यहाँ आओगी? मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत याद करते हैं। बस एक बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं सबका प्यारा बेटा। आह मॉली, यह है केविन मैकलिस्टर और यह कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगा। तुम स्पेशल गेस्ट रूम ठीक कर दो। अपना स्पेशल गेस्ट रूम? हाँ ठीक है मैम। ओह, और प्रेस्कॉट, केविन को घर की चाबी दे दो। ये कैसी चाबी है? ये पूरे घर की चाबी है। मेरा घर स्मार्ट हाउस है केविन, तुम जो कहोगे वो करेगा। फायर आउट, कर्टन्स ओपन। वाह, लगता है बड़ा मजा आएगा। चलो अब करो खुद। डोर ओपन। केविन, आखिर ये बार बार कहाँ गायब हो जाता है? केविन, हेलो केट, मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि केविन मेरे पास आया है। ओह थैंक गॉड, वो तुम्हारे पास
पहुंच तो गया। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। तुम ठीक तो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे यहाँ भेजने के लिए थैंक्स लॉट। वेल थैंक्स फॉर कॉलिंग। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। गुड मॉर्निंग केविन। गुड मॉर्निंग। कौन है वहाँ? यहाँ आओ डियर। हे हाय। नाश्ते का टाइम। आप कोई स्पेशल चीज खाएंगे? कुछ भी। हाँ कुछ भी। कभी मैं सांता के आने का इंतजार नहीं कर पाती, इसलिए खुद ही शॉपिंग कर लेती हूँ। क्या तुम इसे देखना नहीं चाहोगे? तुम तो इसका दिमाग खराब कर दोगी। डैड ये इनका घर है, अगर ये मुझे खराब करना चाहती है तो करने दीजिए। ठीक है एक, लेकिन सिर्फ एक, और सबसे बड़ा वाला भी मिलेगा। क्या ये सच में उड़ता है? हाँ उड़ता है, लेकिन घर के बाहर। याद रहे घर में कुछ नहीं। वाओ थैंक्स दिदाली। आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्रिसमस तो जल्दी आने वाला है। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो शाही परिवार नेटली के एक फंडरेजर के लिए यहाँ आ रहा है, और ये मेरा काम है कि उस मौके पर वहाँ प्रेस वाले और फोटोग्राफर्स मौजूद रहें। मुझे वहाँ ज्यादा देर नहीं लगेगी, और फिर इसके बाद मुझे ज्यादा काम भी नहीं है। ओके किसी चीज की जरूरत हो तो प्रेस कॉल से कह देना, वो ध्यान रखेगा। ये प्लेन तो अच्छा है ना? लगता है कि वो मेरा प्यार पाना चाहती है। मैंने तो नहीं कहा कि गलत कह रही है। मुझे खुशी है तुम आए। मिल्कशेक चाहिए? हाँ चॉकलेट वाला। क्या व्हाइट क्रिसमस बनाएंगे? अभी मौसम का जो हाल है उसमें तो यही लगता है। अरे ये क्या चीज है, एक मिंट एलिवेटर? इसे कहते हैं डम वेटर। लेकिन इसे वेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खाना कैरी करता है। डम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना बोलता है ना ढेर सारे उटपटांग सवाल पूछता है। पढ़ना जानते हो? यहाँ लिखा है नो एंट्री। इससे मुझे क्या वास्ता? खास कर तुम्हारे लिए। यही वो कंट्रोल सेंटर है जहाँ से मैं घर को कंट्रोल करता हूँ, और हाँ अपने पर्सनल क्वार्टर्स को भी। मिस नेटली ने भले ही तुम्हें घर में हंगामा मचाने की इजाजत दे दी है, पर यहाँ राज मेरा है और यहाँ आना मना है, समझ गए? कोई और सवाल? गुड। हे मॉली तुम क्या कर रही हो? घर की सफाई।
छी। अरे नहीं, इस घर में नहीं। देखो, वैक्यूम ऑन। वैक्यूम ऑफ। वाह, यहाँ सफाई भी अपने आप होती है। कुछ और देखना चाहोगे? ओपन सेसमे। वाह, ये जगह तो सचमुच कमाल की है। हाँ है तो। तुम यहाँ कोई खुराफत मत करना। डोर ओपन। वो तो घर से जा रही है। ठीक है, रास्ता साफ है, चलो चलते हैं। रुको, क्या वहां जाना ठीक होगा? जाने मन, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मैं तुम्हें ले जाता। हाँ, लेकिन वो राजकुमार तो यहाँ कल आ रहा है, फिर हम आज क्यों जा रहे हैं वहाँ? उस जगह का जायजा लेने। तुम्हें क्या लगता है मेरी फुलझड़ी, हम कल वहाँ जाएंगे और बच्चे को उठाकर चलते बनेंगे? चलो वैन में बैठ जाओ। हमें ये देखना होगा कि हम उसे वहाँ से लेकर कैसे भाग सकते हैं। अब समझी, काम कैसे करना है, समझ गई? और पकड़े नहीं जाते। प्लानिंग, तैयारी, पूरी तैयारी, जाने मन, पूरी तैयारी, पूरी तैयारी के साथ जाना होगा हमें कुल बदन, समझ गई? एक बॉय स्काउट। अब बताओ कि बॉस कौन है? हैं? बताओ बॉस कौन है? तुम हो बॉस। कहाँ है तुम्हारा बॉस? यहीं पर। हे बॉस, कहाँ है रानी? यहीं तो है। बहुत खूब, चलो चलते हैं। यह नहीं हो सकता, यह तो माफ है। मिस्टर प्रेस्कॉट, मिस्टर प्रेस्कॉट, आप कहाँ हैं? मिस्टर प्रेस्कॉट, बचाइए! ओ नहीं, अब हम क्या करें? फुलझड़ी, ये देखो। अलार्म ऑफ, डोर ओपन। ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब सुनो, मैं क्या करता हूँ? जो मर्जी होती है। तैयार हो जाओ। हाँ, मैं सच में एक जीनियस हूँ। तुम्हें क्या लगता है क्या वो टॉकी है? छोड़ो भी जाने मन, तुम उसे नीचे रख दो, ओके? राजकुमार इन्हें में से किसी एक कमरे में रहेगा। ना तो काफी। सुनो, तुम प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। दिमाग तो तुम खराब। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तुम कर रहे हो। मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। कर रहे हो डॉक्टर? मुझे पागल बना दोगी तो? चुप रहो, काम करने दो। डोर ओपन। आज बहुत ही मजा आ रहा है।
दरवाजा बंद हो रहा है। अब इसे क्या हो गया है? डोर ओपन। लगता है यहाँ पर कोई है। कोई है यहाँ क्या? लगता तो नहीं। तुम हो सकता है राजकुमार जल्दी आ जाए। मिले हो, कैसे हो? क्या यही राजकुमार है? नहीं, ये तो केविन है। केविन, वेरा वेरा केविन। अगर वो ये नहीं है तो फिर चलो यहाँ से, वरना हमें कुछ देख लेगा। हमें इस जगह का अंदाजा तो हो गया। मैं वापस आऊंगा। अच्छा चलता हूँ। केविन, क्या ये क्या कर दिया तुमने? प्रेस्कॉट, प्रेस्कॉट! बंद है, मैंने कोशिश की थी। जी मैम। यहाँ ना, जल्दी जल्दी। अब तक तो बंद था। केविन, क्या हुआ था? मैंने कुछ नहीं किया, घर में चोर आए थे। चोर आए थे? हाँ, मैंने इनमें से एक को पहचान लिया, माफ था, क्योंकि मैंने उसके बारे में आपको बताया था ना। खैर, वो यहाँ चोरी करने आए थे। तो तुमने सोचा इसे बर्बाद कर दो? नहीं, मैं बचा रहा था इसे बर्बाद करके। लेकिन तुमने ये सब क्या? hey, जब मैंने बुलाया तब आप कहाँ थे? प्रेस्कॉट, क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ चोर आए थे? चोर? नहीं मैम, सारे अलार्म हमेशा की तरह ऑन थे। तो शायद उन्हें बंद कर दिया, उनके पास ये भी था। मैंने यहाँ किसी को भी नहीं देखा, और मैम मैं बस एक बार टॉयलेट गया था, बाकी समय तो मैं मॉनिटर को ही देख रहा था। और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि इतनी सी देर में इस बच्चे ने इतना सब कुछ कैसे कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया।
तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं था? ये झूठ है। सच है? झूठ है। सच है? झूठ है। झूठ। बुरा मत मानिएगा सर, पर मैंने मास्टर केविन को इन डिवाइसेस से खेलते देखा था जैसे ये घर कोई खिलौना है, और आज यहाँ आपके बेटे के अलावा और कोई नहीं आया। तुम मेरे साथ आओगे केविन? केविन, केविन बैठो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, घर में चोर घुस गए थे। केविन, जानते हो ना मुझे झूठ जरा भी पसंद नहीं है। जानता हूँ। तो अगर मैं मान लूँ कि ये सब मैंने किया है तो आप नाराज नहीं होंगे, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। देखो, मैंने भी इसके बारे में सोचा है और मुझे लगता है कि तुम यहाँ ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से तुम बहाने बना रहे हो, तुम सबका ध्यान खींचना चाहते हो। ये बात नहीं है केविन। ठीक है ठीक है ठीक है, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है और मैंने सबका इंश्योरेंस भी करवाया था। तुम कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू। और जो भी नुकसान हुआ उसके लिए सॉरी। सिक्योरिटी कैमरों में हर बात रिकॉर्ड हो गई होगी। क्या प्रेसकॉन ने शायद कैमरे बंद कर दिए होंगे? मुझे तो यकीन नहीं होता, जरा भी यकीन नहीं हो रहा। मैं तो मान नहीं सकता, फिर भी वो बच्चा आ गया। उस बच्चे का मैं क्या करूं? मैं जहां भी जाता हूं वो मेरे पीछे आ जाता है। एक मुसीबत गले बांध ली है मैं। कम ऑन मार, वो एक छोटा सा बच्चा है। पर उस छोटे बच्चे ने मुझे बड़े घाव दिए। कोई बात नहीं, एक बात याद रखना, इस बार वो मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। इस बार मैं अपना काम बड़ी आसानी से कर लूंगा, क्योंकि इस बार मेरे साथ अंदर का एक आदमी होगा। अरे अरे अरे, सड़क पर देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बताओ मुझे? मैं कुछ नहीं, कसम से मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं एक बार देखने आया। देखो, किसी के घर ना तो बिना बुलाए जाते हैं, ना उनके घर के सामान को छूते हैं। अब अगर तुम्हें दोबारा यहाँ देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा तो नहीं था? तो सुन लो, अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको कुछ चाहिए? मैंने शायद उसकी आवाज सुनी थी। हाँ, उसी की आवाज थी। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें और परेशान करे, इसलिए मेरे साथ चलो केविन। आज के बाद से मैं इसका ध्यान रखूंगी। मुझे बचाने के लिए थैंक्स मॉली। प्रेसकॉट से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। आप मुझसे कह रही है? वो भी उनके साथ मिला है,
उन चोरों के साथ जो यहाँ चोरी करने आए थे। हालांकि टेक्निकली वो यहाँ घुसे नहीं थे क्योंकि उनके पास भी रिमोट था। और बता सकती है उसे रिमोट किसने दिया होगा? प्रेस्कॉट। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं है। जानता हूँ आपको भी लग रहा होगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। सब यही सोचते हैं। क्या आप मेरी बात मान नहीं सकती? केविन, प्रेस्कॉट अकेले रहने वाला आदमी है। वो यहाँ नौकरी करता है और किसी से कहना मत, उसे यहाँ नौकरी करना पसंद नहीं है। लेकिन ये बात और भी साफ हो जाती है, उसे ये नौकरी पसंद नहीं और वो पैसों की वजह से नौकरी छोड़ भी नहीं पा रहा। पता नहीं वो सुनो, क्या? उसने मेरे डैड से कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए थे, मतलब उसकी नियत में खोट है। ऐसा है क्या? मार्वल उसके नए साथी के साथ कोई अंदर वाला भी है। प्रेस्कॉट, शायद तुम्हारी बात सही है। है ना? हाँ, तुम दिन में भी सपने देखते हो, लेकिन मुझे बच्चों की यही खूबी पसंद है। मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र में यही करता था, ऐसी ही बातें। फिर तो आप बहुत अच्छी मॉम हैं। लेकिन मेरी बात मानो और कम सोचा करो, ओके? आज जो भी हुआ उसमें तुमने बहुत समझदारी दिखाई। देखो केविन, अभी एक बड़ी मुश्किल दौर में है। माँ बाप अलग हो जाएं तो बच्चों को तकलीफ होती है, पर ये सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छी सौतेली माँ बन सकती हो। मुझे लगता है कि हमें एक तरीका ढूंढना होगा कि वो यहाँ आराम से रह सके। हम उसे क्रिसमस के काम सौंप देते हैं, जैसे कि पेड़ों की छटाई का काम। तुम ये खुद करते हो? मैं तो खुद करता हूँ, मजा आता है। हम इसके साथ भी ठीक यही करेंगे। हम सब मिलकर पेड़ की छटाई करेंगे तो हमारे बीच का प्यार और बढ़ेगा, एक परिवार की तरह। ओके ओके। ना दोस्त, ना मजा, ना बर्फ। लगता तो है इस बार का क्रिसमस बहुत बेकार होगा। ए केव, क्या हाल है? चलो अब हम आज की बात भूलकर फिर से नई शुरुआत करते हैं। सच कह रहे हैं? हाँ। जानते हो नैटली बहुत अच्छी इंसान है, बस उसे अच्छी तरह समझने की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि तब तुम्हें और मजा आएगा। हाँ ठीक है, शाबाश। तो हम पेड़ों की छटाई से काम शुरू करें? करें? हाँ क्यों नहीं। जरूर आएंगे, हम भी देखना चाहते हैं। मैं बाद में फोन करूं क्या? इवान जेलिस्टर शहर में है। मार्गरेट ने हम सबके लिए एक पार्टी दी है, लेकिन हम नहीं जा सकते, है ना? एक काम करो, तुम मेरे और केविन के बिना ही चली जाओ, मैं यहाँ के काम कर लूंगा। कर लोगे? बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, वो तो तुम्हारे दोस्त है ना। तुम बहुत अच्छे हो, मैं लेट आऊंगी। ओके, हम कहाँ थे? मेरे लिए यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं रुकना चाहता हूँ वाकई। क्या नटाली रोज रात बाहर जाती है? हाँ अक्सर, उसकी जिंदगी बड़ी मजेदार है, हमारी पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा। मतलब ये कि आपका झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि आप इसलिए आए हैं। केविन, केविन,
मैंने तुम्हारी मॉम को नेटली के साथ रहने के लिए नहीं छोड़ा है ओके? इसके बारे में बाद में बताऊंगा तुम्हें। आप मुझे ये सब बताएंगे? बड़ों का रिश्ता बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जब उनकी शादी हमारी तरह काफी कम उम्र में हो जाए तब बात एक न एक दिन बिगड़ ही जाती है। और किस चीज की कमी है? हाँ, बाहर रहने का ये मतलब तो नहीं है कि हम जिंदगी की सारी खुशियों को भी भूल जाएं। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ डैड। जानते हो तुम? इसी वजह से बूढ़े लोग स्पोर्ट्स कार चलाते हैं। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन स्पोर्ट्स कार की मुश्किल जानते हैं? उसमें कोई और नहीं बैठ सकता, बड़ी मुश्किल से एक और आदमी। लेकिन अगर लंबी सैर पर जाना हो तो उसमें ना तो सामान रख सकते हैं, दोस्त तो नहीं बैठ पाता, वो चलती तो तेज है, बहुत सुंदर भी है, मगर अकेले जाने से क्या फायदा। हाँ, ये तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब हमें इसके ऊपर सिर्फ स्टार्स लगाने हैं। स्टार तो हमेशा केविन लगाता था। सही कहा, वही लगाता था ना? मैं उसे उठाता था और कैंडी भी देता था। वो कोई गड़बड़ करता तो हम हंसते थे। मुझे लगता है कि हमें इस बार सीढ़ी लगानी पड़ेगी। ओके डैड, हो गया। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है, ये तो अब तक का सबसे सुंदर पेड़ है। सोने वालों, आखिर जा ही गए। आपने हमारे पेड़ को क्या कर दिया? ओ, मुझसे गलती हो गई। मैं हर साल पेड़ सजाने वालों को यहाँ बुलाती हूँ और मैं इस बार कैंसिल करना भूल ही गई। मुझे माफ कर दोगे? आपने पेड़ का सत्यानाश कर दिया। देखो, पर मैंने इसे पहले से शानदार कर दिया है। हाँ, कम ऑन केव, देखो ना कितने तोहफे हैं। ये काफी बड़ा है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर तुम्हारा ही नाम लिखा है। आओ ना, इसे खोल कर तो देखो। क्या मैं इसे कल खोल सकता हूँ? नहीं, कल तो तुम्हें कई तोहफे खोलने हैं, एक तोहफा आज खोल लो। खोलो ना। ये सुपर स्पाई बगिंग एंड लिसनिंग डिवाइस, अच्छा है ना? हाँ, थैंक्स डैड। थैंक्स डाली। खुशी हुई कि तुम्हें अच्छा लगा। मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं केविन को कुछ देने जा रही हूँ। मॉम, कहाँ जा रही हैं? उसके पास साफ कपड़े नहीं है और खिलौने भी नहीं ले गया है। डैड की गर्लफ्रेंड को देखना है तो चलते हैं। मैं आपकी क्या मदद करूँ? वाओ, केविन मैकलिस्टर से मिलने आई हूँ। वाओ, बस क्या आप उसे घर ले जाने आई हैं? नहीं, मैं उसे कुछ देने आई हूँ। इस तरफ से आइए। कैसा लग रहा है? बच्चों, एक साथ। मॉम! हाय! अरे, मैंने तुम्हें नेटली के बारे में बताया था ना? हाय बस, मेगन। केट, ये नेटली है और नेटली ये केट। हेलो केट। हेलो। तो क्या आप लोग भी यही रहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए ये सब लाई थी। आप एक बार घर तो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नेटाली? बिल्कुल नहीं, जाओ देखो। इतना बड़ा पेड़, पहले से अच्छा था। अच्छा, ये तुम्हारे सिर पर क्या है? ये एक स्पाई किट है, नेटाली ने मुझे क्रिसमस पर दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी हो तुम। हाँ, मुझे तुम्हारे बच्चे बहुत पसंद है। अरे देखो, मुझे तुम्हें प्लेन दिखाना है। क्या तुम कॉफी पीना चाहती हो? अरे नहीं, थैंक यू। ये
मैं नहीं जानती थी कि इसके पास ये सब है। ओ, ये तो मुझे दो। मुझे तो लगा था कि इसके बिना सो नहीं पाएगा। एक बात जानती हो तुम, इसने तो टेडी के बारे में पूछा तक नहीं। हम उसके लिए कोई और खिलौना खरीदेंगे। नहीं, ये देखो, ये है ना उसका टेडी। टेडी देखकर ये बहुत खुश होता है। हर बच्चे को किसी एक चीज से बड़ा लगाव होता है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है। इसी वजह से उसका एक स्पेयर भी रखना पड़ता है, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। लेकिन हमारे पास तो एक ही था ना। मैं कैसे भूल सकती हूँ। हम एक बार बहुत जल्दी में हाईवे पर कहीं जा रहे थे और तब केविन को लगा कि शायद टेडी को ताजा हवा चाहिए और तब उसने टेडी को खिड़की से बाहर निकाला तो वो उड़ गया। हाँ, वो उड़ गया और ये रोने लगा। तब ये इतना दुखी था कि मैं बता नहीं। तब पीटर ने कार रोक दी और मुझे टेडी को लाने जाना पड़ा। मुझे आज तक यकीन नहीं होता कि तुम ले आई थी। हाँ, गनीमत थी कि वहाँ ट्रैफिक कम था। हाँ, अगर वो उस दिन नहीं मिलता तो पता नहीं क्या होता। मुझे लगता है कि केविन को राजकुमार के साथ खेलने में इतना मजा आएगा कि उसे टेडी की याद भी नहीं आएगी। घर में अगर ढेर सारे बच्चे हो तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ। बच्चों, मूर्तियाँ संभाल के। वैसे अब मुझे जाना होगा। तोड़ फोड़ होने से पहले हम अब शाही परिवार को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं। तुम सब जानते हो कि कितना जरूरी है। केटरर्स भी यहाँ आते ही होंगे कभी भी। आपके स्वागत के लिए मेहमान भी हाजिर होंगे। वे करीबन एक घंटे में आते ही होंगे मैडम। चिंता करने की जरूरत नहीं है मैम, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि सब अच्छे से हो जाए। कम ऑन, अब और देर मत करो। मैं नहीं चाहती कि जरा भी चूक हो। डोर ओपन। कोई गड़बड़ नहीं होगी। बहुत खूब, तुम आखिर आ ही गए। मिस्टर प्रेस्कॉट, मिस्टर प्रेस्कॉट। हाँ मैं। तुम? मैं इसे अभी रास्ते से हटाता हूँ। सुनो तुम, मैं तुम्हारी पालतू बकबक बहुत सुन चुका और तुम्हारा बहुत नाटक हो गया। आज की रात बड़ी अहम है और अगर मुझे आज तुम्हें बंद भी करना पड़े तो मैं दोबारा नहीं सोचूंगा, समझे बच्चू? देखो। मेरे साथ पंगे मत लो नन्हे शैतान। ये कोई छुपने की जगह है। मुझे बाहर आने दो। केविन, तुमने प्रेस्कॉट को देखा है? नहीं देखा है। जब भी जरूरत पड़ती है गायब हो जाता है और जब जरूरत ना हो तो सामने आता है। मेहमान आ गए, पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती लेकिन ये पार्टी बड़ी जबरदस्त होगी। एक और फोन आ रहा है। ओके, मिलते हैं हम। हेलो कार्मेलिना, कैसी हो तुम? क्या? अरे नहीं, बर्फ में फंस गए कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब तो मैं गई काम से।
अच्छा ठीक है, कल हम मिलते हैं। मैरी क्रिसमस। बताओ ना अब हम क्या करें, अब तो बस एक मामूली पार्टी होगी। क्रिसमस ईव पर तुम्हारे घर की पार्टी मामूली नहीं हो सकती। अब ये धमाकेदार पार्टी नहीं होगी। पीटर, क्या हम आज अपनी एंगेजमेंट की घोषणा करते हैं? आज ही? जानती हूँ हम तुम्हारे तलाक तक रुकने वाले थे, पर तलाक तो कुछ हफ्ते बाद हो ही जाएगा और तुम्हारे बच्चे भी जान गए, इस तरह आज की पार्टी स्पेशल बन जाएगी। अगर तुम चाहती हो तो ठीक है। वो कहाँ गायब हो गए? माँ मुझे टॉयलेट जाना है। जाने मन, तुम कल सुबह टॉयलेट चली जाना, अभी समय नहीं है। डोर ओपन। अच्छा सुनो, प्लान तो याद है। कौन सा प्लान? हैरी का प्लान? नहीं, हैरी का प्लान नहीं, वो प्लान जिसमें बैग और रस्सी थी। तो मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, वो प्लान तो याद है ना। हाँ। जैसे ही राजकुमार बेड पर सोने आए, दबोच। बिल्कुल सही, हम सोते हुए बच्चे को किडनैप करेंगे। तुम तो जीनियस हो माँ। बिल्कुल सही। डोर ओपन। हाँ, राजकुमार आएगा बैग में और बैग जाएगा खिड़की के बाहर ऐसे। हम रस्सियों से नीचे जाएंगे और दरवाजा बंद हो जाएगा। हाँ? फिर सब बैठेंगे वैन में और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम रफो चक्कर हो जाएंगे, समझ गई? कमाल का प्लान है माँ, मामूली है लेकिन है बड़ा जोरदार। ठीक है चलो अब काम करते हैं, बैग उठा लो। मैं? लेकिन तुम बैग क्यों नहीं उठाते? क्योंकि मैं बॉस हूँ। चलो जल्दी से बैग उठाओ। मैं बैग नहीं उठा सकती। मेरा जल्दी करो, बैग उठाओ। तुमने मुझसे पहले नहीं कहा था कि मुझे बैग उठाना पड़ेगा? हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, बड़ा मजा आएगा। चलो बैग उठाओ, जाओ जाओ अंदर जाओ, जाओ तू अंदर जाओ। हाँ शाबाश। विंडो ओपन। अब चिंता मत करो हनी, मैं हूँ ना। मुझे आराम से नीचे उतारो। हाँ उतार रहा हूँ बेबी। ओ ये तो बड़ा ही आसान काम है। परफेक्ट। डोर ओपन। घबराओ मत, सब कुछ कंट्रोल में है। इजी, आराम से, आराम से। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे चोट नहीं लगी। ये तो मेरा फर्ज था। ओके ठीक है, निकलो यहाँ से, कभी मत आना। मैं जानता हूँ तुम किस चक्कर में हो। तुम सब जानते हो क्या? तुम राजकुमार को किडनैप करोगे। चुप रहो, बकवास बंद करो। मैं उसे मार डालूंगा। गुलबदन, मुझे मदद चाहिए। ओह हाँ बेबी, अगर कर सको तो। मैंने सब सुन लिया। वेलकम बैक। राज परिवार कहाँ रह गया? बस में फंस गए। प्रेस्कॉट कहाँ है? वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। अच्छी बात है। अच्छा मॉली, तुम सबको शैंपेन दे देना, आज हमें खास अनाउंसमेंट करेंगे। जी मैम। कैसे हो तुम? हाय, कैसे हो तुम? मिलकर खुशी हुई। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं उसे मार डालूंगा।
की रात बड़ी खास है और हम इसे और खास बना देते हैं। पकड़ो उसे। पीटर में सगाई कर रहे हैं। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? माफ, तुम आग से खेल रहे हो। थैंक्स बेबी, तुम भी कम नहीं। नहीं डार्लिंग, तुम सच में आग पर बैठे हो। ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ लेकिन केविन! मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो चोर फिर से आए थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। केविन, मैंने यहाँ आए केटूरेस और मॉली से भी पूछा है, किसी ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ तुमने। ऐसा कैसे हो सकता नहीं है? जानता, मैंने सुना है कि वो राजकुमार को किडनैप करेंगे। तुमने उनको कहते सुना? हाँ, था सुपर किड से सुना था। प्रेस्कॉट बेस में शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पता करती हूँ कि कल शाही परिवार की फ्लाइट आ रही है या नहीं। केविन, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। सच में? हाँ। तुम नैटली से मेरा रिश्ता खत्म कर देना चाहते हो? क्या जानते हो आज की रात उसके लिए कितनी अहम थी और तुमने आज ही ये तमाशा कर दिया। ये बात सही नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत छूट दी थी क्योंकि मैं जानता था कि तुम इस तलाक से बड़े परेशान हो, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। अब अपने कमरे में जाकर सोचो कि तुमने क्या किया है। जब नैटली से माफी मांगने का फैसला कर लोगे तो आ जाना। डोर क्लोज। हेलो मॉम। केविन। ओ केविन, मुझे खुशी है तुमने फोन किया। आप ठीक है? हाँ हाँ, मैं अभी इसी का नाम जिंदगी देख रही हूँ। सच में? ये सीरियल मुझे बहुत पसंद है। किस चैनल पर? 8। मुझे तो सीरियल की हैप्पी एंडिंग ही पसंद है। तुम्हारी पार्टी कैसी चल रही है, मजा आ रहा है? हाँ सब ठीक है। आप बताइए, आपको क्रिसमस ईव पर मजा आया? हाँ बहुत मजा। आई लव यू केविन। आई लव यू टू मॉम। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ओके बाय। केविन, तुम जाग रहे हो? हाँ। मैंने और तुम्हारे डैड ने आज तुम्हें बहुत डांटा है, तुम ठीक तो हो? हाँ। गुड, क्योंकि अब अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें इस घर से फौरन निकाल दूंगी। तुम्हारे डैड के तलाक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत से बच्चों के डैड लेते हैं, इसी का नाम तो है जिंदगी। तुम मेरे और अपने डैड के बीच में नहीं आओगे। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तुम उनके साथ रहना चाहते हो तो मुझसे पंगे मत लेना, समझ गए? गुड। मैं कल सुबह खिड़की ठीक करवा दूंगी। स्वीट ड्रीम्स। मैंने अभी अभी केविन से बात की है, लगता है हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। तुम क्या देख रहे हो? इसी का नाम है जिंदगी। ये सीरियल रोज रात को आता है, तुम भी देखो ना।
मैंने देखा इसे। तो? तो ये कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग बार बार एक ही चीज कैसे देखते हैं। मैंने देखा, थोड़ी रोई, बस बहुत हो गया। तुम मजाक कर रही हो, मैं और केट तो हर साल इसे बच्चों के साथ देखते हैं, ये हमारी खानदानी परंपरा है। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा नया परिवार होने वाला है तो परंपरा भी नहीं होनी चाहिए। वो वापस जरूर आएंगे, कोई मेरा भरोसा नहीं करता, मुझे उन्हें पकड़ना ही होगा। अब एक भी शब्द मत कहना। ओके, स्टॉप। स्पिन फास्टर। बैग तो उठाओ ना। चुप रहो, बहुत हो गया। मेरी क्रिसमस केविन। मेरी क्रिसमस डैड। हे पीटर, क्या तुम चल रहे हो? क्या, कहाँ जाना है? केविन, नैटली और मैं शाही परिवार को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं। अभी? लेकिन क्या हम प्रेजेंट्स नहीं खोलेंगे? वापस आने के बाद मैंने खोलेंगे। लेकिन आज क्रिसमस है, आप दोनों क्यों जा रहे हैं? देखो बेटे, कभी कभी हमें वो सब भी करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। आज भी वही हो रहा है। हम अभी थोड़ी देर में लौट आएंगे। और हमारे आने से पहले आज तो कुछ नहीं होगा, है ना? नहीं। गुड, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी लौट आएंगे। डोर ओपन। मैरी क्रिसमस केविन। मैरी क्रिसमस। हेलो। नहीं, हम जाग रहे हैं। मैं भी। ठीक है, हम आते हैं। ओ, ये मुझे और नर्वस कर देती है। चलो चलते हैं जानी। मैं जानता था वो आ रहे हैं। अंदर वाले को रास्ते से हटाओ। ओ मिस्टर प्रेस्कॉट, मिस्टर प्रेस्कॉट, मिस्टर प्रेस्कॉट, आप अंदर हैं? हाँ। मिस्टर प्रेस्कॉट, थोड़ी सी मदद करेंगे? और वो क्या होगा, एक और मिल्कशेक बनाना होगा? नहीं, एक बोतल वाइन चाहिए। क्या कहा? नटाली ने कहा था कि शाही परिवार के लिए बेसमेंट से एक बोतल वाइन लाना। अच्छा, लाता हूँ। सबने सही कहा था, इस क्रिसमस पर बर्फ नहीं गिरेगी। मेरा अंदाजा कभी गलत ही नहीं हो सकता है। जानते हैं मिस्टर प्रेस्कॉट, आपके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मजा आए तो वक्त का पता ही नहीं लगता। देखिए ना, शुरू में हमारी नई बंदी थी, लेकिन अब सब ठीक है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप नीचे और मैं ऊपर। सुनो, रुको। बच्चे जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो। अच्छा क्या, आप आ गई? वो किडनैपर्स आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो मुझसे बच नहीं पाएंगे। प्रेस्कॉट को तो बेसमेंट में बंद कर दिया है। मेरा प्लान अच्छा है ना? बताइए, पसंद आया? अच्छा है, लेकिन बेटे तुम जरा चूक गए, प्रेस्कॉट उनका साथी नहीं है, मैं हूँ। समझ में आया? तुम उनके साथ मिली हो? हाँ, मैं हूँ अंदर वाली। हे मॉम, हम आ गए। अरे वाह मॉम, ये आपका बेटा है? मैंने कहा था ना, शरारती है। आ!
अब तुम चलो। यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई चोर दरवाजा नहीं। वाइन सेलर में भला चोर दरवाजे की क्या जरूरत है। हाँ ये बात तो है। अब हम क्या करें? मुझे नहीं मालूम। सुनो मेरे पास ये सेल फोन है। परफेक्ट ले लूं। हाँ केविन तुम हो ना? हाँ सेल फोन से बोल रहा हूँ। ओह सेल फोन से? तुम्हारी तो चांदी हो गई है। क्या उन्होंने तुम्हें फोन भी दिया है? क्या ड्रामेबाजी है। फिर से करता हूँ। बस फोन रखने से पहले एक बार सुन लो, मुझे मॉम से बात करने दो। ओके मैं बता दूंगा। मैं फिर से लगाऊंगा। ये बताओ कि तुम मुझे उनका आदमी कैसे समझ बैठे थे। अगर आपकी हरकतों पर शक नहीं होता तो मैं अपने सपनों में नहीं सोचता। अजीब था। जब ये चोर पहली बार आए थे आपने इंटरकॉम क्यों नहीं उठाया? आप कहाँ थे? आपने कैमरे बंद क्यों किए? मैंने नहीं किया, लेकिन अगर उनके पास मौली का रिमोट है तो वो पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर सकते हैं। लेकिन आपने मुझे झूठा क्यों कहा? क्योंकि मुझे झूठ लगा था और मैं ये नहीं चाहता था कि मिस नटाली को ये पता लगे कि मैं ड्यूटी पर सो रहा था। अगर वो कहेंगे तो मुझे 24 घंटे काम करना पड़ेगा। सोचो मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए जब वो कहीं जाती है तो बदला लेते हैं। नहीं आराम करता हूँ। हमें भी तो कभी कभी मेंटल ब्रेक चाहिए। और जब सारे कैमरे और इंटरकॉम्स बंद हो गए तो कुछ मतलब आप अपनी खाल बचा रहे हैं। बिल्कुल। क्या तुम अपनी मॉम से बात करना चाहोगे? हेलो मॉम। केविन मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्योंकि मैं एक वाइन रूम में बंद हूँ। नहीं हनी कुछ नहीं सुन पा रही हूँ। कोई आवाज़ नहीं आ रही। नटाली के घर में वाइन रूम में। तुमने मेरी क्रिसमस कहने के लिए फोन किया? सुन रही है स्वीट हार्ट? आप सुन रही है केविन? मॉम मॉम ये लो बैटरी डेड हुई। कैल्बन रेसिडेंस। हाय मैं हूँ केट मैकलिस्टर केविन की मॉम। उससे बात कर सकती हूँ? केविन तो अभी यहाँ नहीं है। बड़ी अजीब बात है, अभी तो उसने फोन किया था। वाकई? वो तो अपने डैड और मिस नटाली के साथ कहीं गया है। ओह फिर उसने अपने डैड के सेल से फोन किया होगा और उसे सिग्नल नहीं मिल रहा था। ओके थैंक यू। उसने अपनी माँ को फोन किया था। तो क्या मैं उसे बता दूं बॉस कौन है? बैठ जाओ मार्व। बॉस तुम नहीं हो मैं हूँ। ओके। उसका सेल फोन डेड है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। हेलो पीटर। मैं केविन से बात करना चाहती हूँ। उसका फोन कट गया था। केविन मेरे साथ कहाँ है? वो तो नटाली के घर में है। क्या वहाँ से पता लगा तुम्हारे साथ है? तुम टेंशन मत लो केट, आई मीन वो बिल्कुल ठीक होगा। ओके ये तो बड़ी अजीब बात है। किसी ने केट से कहा कि केविन हमारे साथ है? मैं घर जाकर देखता हूँ क्या बात है। नहीं वो तो यही चाहता है। पीटर वो बेवकूफ बना रहा है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं कोई गड़बड़ हो जाती है। वो चाहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और उसके करीब हो जाओ। हेलो यहाँ कोई है क्या? हेलो कोई तो तरीका होगा यहाँ से बाहर निकलने का।
एक है। तुम उन बॉक्सेस को हटाने में मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, मगर इनके पीछे क्या है? ये सवाल तुमने अच्छा किया है। कचरा फेंकने की जगह। बिंगो। चलो देखें कि वो ठीक है या नहीं। I'm sorry, मैंने आपको गलत समझा मिस्टर प्रेस्कॉट। मैंने भी। मैं मिस नटाली का वो रिएक्शन कभी नहीं भूल सकता जब उन्होंने अपने घर को देखने के बाद किया। मुझे तो ज़ू के चिंपैंज़ी की याद आ गई। इस काम के कुछ फायदे भी तो हैं। अगर आपको ये नौकरी पसंद नहीं तो छोड़ क्यों नहीं देते? देखो आजकल नौकरी आसानी से नहीं मिलती, और ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरी नौकरी इससे भी बुरी हो। डर की वजह से वैसी जगह नहीं रहना चाहिए जो पसंद नहीं हो। जिंदगी बहुत छोटी होती है। ठीक है वाला, अब देखें कि तुम इसमें फिट होते हो या नहीं। ऊपर अपना सिर बचाओ। ऊपर जाते ही आपको भी निकाल लूंगा। हाँ ठीक है, पहले अपना ध्यान रखो। मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई आवाज थी। एक बात कह देता हूँ, तुम तैयार रहना चुलबुली। तुम काम क्यों नहीं करती? तुम नीचे जाकर वाइन रूम देख कर आओ। जा चले। मैं यहाँ हूँ। हे रुक जा। जाना जानू। बटन दबाओ। नहीं बटन दबाओ। रुक जा बेबी। बटन दबाओ। ओ बटन 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 दबाओ। क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा बटन दबाओ। अरे यहाँ देखो। हाय मम्मी। नैटली, तुम जाकर उन्हें रिसीव करो, मैं घर जाकर केविन को देखता हूँ। क्या अभी? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तुम माँ होती तो समझ जाती। ये तो गलत बात है, तुम जानते हो मुझे बच्चों से कितना लगाव है। मेरे बच्चे के बारे में कितनी फिक्र करती है। टैक्सी। केविन, तुम ठीक तो हो ना? मॉम, क्या आप थोड़ा धीरे चलाएंगी? केविन बिल्कुल ठीक होगा। तुम बाहर पुलिस वालों पर नजर रखो। एक काम करो हसीना, तुम जाकर लिविंग रूम में देखो कि कहीं वही तो नहीं। ओके गॉड, ये कहाँ है? मैं कॉलेज में जा सकता था। 2 साल मैं एक डेंटल टेक्नीशियन बन सकता था। 2 साल। केविन उस बेडरूम में है। क्या? पकड़ो उसे। डोर ओपन। मनी, तुम अंदर हो? चुप रहो बेरा।
अच्छा ठीक है, मैं तो बस पूछ रही थी। ना चुप रहो बेवकूफ। हे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम पागल हो। कहा ना चुप रहो। डोर ओपन। तुम्हें हो क्या गया है? और तुम्हें क्या हो गया है? मैं बेवकूफ नहीं और तुम भी कोई बड़े जीनियस नहीं। बेरा हनी। नहीं, अब बेरा हनी नहीं कहो। तुम तो बच्चे जितने भी स्मार्ट नहीं हो। इसने तो तुम्हारा जीना भी हराम कर दिया है। आज के बाद मैं अपनी बॉस खुद ही हूँ। बेरा, बेरा हनी। कहा ना चापलूसी नहीं। जाने मत। मार उसे, छोड़ो और बच्चे को पकड़ो। मैं यहाँ से कुछ ही देर में जाने वाली हूँ। आ जाओ जाने मन। ओपन बार, ओपन बुक शेल्फ, ओपन बार, ओपन बुक बार शेल्फ, ओपन बुक बार थिंग, ओपन ओपन सेसमी। ओ, ऐसे भी कभी खुला है क्या कोई? आप बताओ। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे, लेकिन अकेले संभाला है, मैं खुद कर सकता हूँ जाने मन। तुम अपनी बार बंद करो बेवकूफ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे ये क्या? बार क्लोज। ये तो और तेज हो गया। तुम जरा देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, ये जरा और भी जोर-जोर से तेजी से घूम रहा है। फास्टर सिस्मी। मैक्सिमम स्पीड सिस्मी। बहुत खूब मार। गुड नाइट। मिस्टर प्रेस्कॉट। बंदा हाजिर है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। गुड आइडिया मिस्टर प्रेस्कॉट। तुम प्रेस्कॉट कह सकते हो। प्रेस्कॉट। तुमने तो कहा था चिंता की बात नहीं है। मैं बता नहीं सकता, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। केविन। डैड। मॉम। मॉम, ये कौन है? चलो हम भी चलते हैं। तो पीछे से जाओ। चलो, वही पुराना प्लान। केविन। बहुत खूब, क्या बात है केविन। केविन। मॉम। बेटे, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। अब ठीक हूँ। सो सॉरी, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने पुलिस बुला ली है मैम। जब तक यहाँ रहोगी बहुत मजे करोगी। क्या हम रिगली फील्ड में घूमने चले और एक्वेरियम में? क्या आपके बच्चे हैं? नहीं, लेकिन भरोसा रखो, तुम यहाँ बिल्कुल बोर नहीं होगे।
वाओ। ओ चलो ना, जर्मी भी बहुत मजा आता है। सच में? हाँ, थर्सडे को तंदूरी चिकन भी मिलता अच्छा, है। मैं भी जेलों को जानती हूँ, तुमसे वही मिली थी मैं। शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओ, बैठो अंदर। हे, मुझे हाथ मत लगाओ। पीटर, अब इसने क्या किया? आज इसने एक चोर को पकड़ा है, तुम्हें तो इसे थैंक्स कहना चाहिए। मॉली, आखिर ये क्या हो रहा है? ये यहाँ राजकुमार को किडनैप करने आए थे और हमें पता लगा कि ये उनकी बॉस है। ये तो मेरी नौकरानी है, मैं इसकी बॉस हूँ। मैं जानता था ये सबसे अच्छा क्रिसमस होने वाला है। हमें भी तो कभी कभी मेंटल ब्रेक चाहिए। मैं अब रिजाइन कर रहा हूँ। रिजाइन? लेकिन क्यों? क्योंकि किसी ज्ञानी बच्चे ने कभी कहा था कि जिंदगी बहुत छोटी है। पीटर, तुम कुछ करो। हाँ, करता हूँ। नैटली, मुझे लगता है कि मैंने अपने प्यार की वजह से अपने घर परिवार को भुला दिया था, लेकिन ये दुनिया तुम्हारी है, मेरी नहीं है। नैटली, मैं जब से यहाँ आया हूँ तभी से अपने परिवार को मिस कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ बहुत खुश हूँ और उनके साथ अपने घर में रहना चाहता हूँ। तुम भी इसके बारे में सोच कर देखो ना। मॉम, आई लव यू। आई लव यू। सुनो बेटे, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। क्या आपकी फैमिली मेरे फैमिली के साथ क्रिसमस मनाएगी? हाँ, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना? हाँ। आज तो तुम मेरे साथ रहोगे ना? आज क्रिसमस पर? Thank you. Music on. No pause. Hey, अरे वाह, स्नोफॉल हो गया। Yeah.